नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है Realme X3 मोबाइल, और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्लिट स्क्रीन आपको पता ही होगा कि आधी स्क्रीन पर आप अपना व्हाट्सअप चला सकते हैं, आधी स्क्रीन पर आप अपना यूट्यूब चला सकते हैं। तो इस तरह से डबल स्क्रीन कहते हैं या फिर मल्टीपल स्क्रीन बोलते हैं, तो आप स्प्लिट स्क्रीन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चले जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है, और ये मैंने ऑन कर रखा है। तो यहाँ से आप इन दोनों को ऑन कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर ऑफ होता है तो आप इस स्टेप से ऑन कर देंगे, और इसके बाद बैक कर देंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन खोलनी है पहले आप उसे ओपन कर लेंगे इस स्टेप से, और एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की साइड, तो यहाँ पे ये स्क्रीन आपकी स्प्लिट हो गई है, आधी हो गई है। अब यहाँ पे आप कुछ भी ओपन कर लेंगे। मान लीजिए YouTube ओपन करना है, तो मैंने YouTube ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आधी स्क्रीन पे आपका YouTube चल रहा है, और आधी स्क्रीन पे आपका Facebook चल रहा है। तो यहाँ पे आप Facebook भी हैंडल कर सकते हैं और YouTube भी हैंडल कर सकते हैं, तो दोनों को आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं, और इस टाइप से खींच के इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और आप ऐसे खींच के आप इसको हटा भी सकते हैं। दोबारा करने के लिए तो दोबारा से आपको ऐसे करके करना पड़ेगा, होम स्क्रीन आ जाएगा, तो आप दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पे खोल सकते हैं इस स्टेप से। तो इस स्टेप से आप यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।